हे गाइस, दिस इज पल्लवी, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का ये जो वीडियो है वो एक प्रोडक्ट रिव्यू वीडियो है और मैं रिव्यू करने वाली हूँ ब्लू हेवन प्राइमर का दिस वन। ये आपने कई बार देखा होगा, मैं अपने मेकअप में ज़्यादातर ब्लू हेवन का ही प्राइमर यूज़ करती हूँ। दिस वन फर्स्ट थिंग इसका रिजल्ट बहुत अच्छा है, दूसरा बहुत ही ज़्यादा ब्रांड में प्राइमर हैं लेकिन इस प्राइमर मतलब काफ़ी हद तक अफोर्डेबल है दूसरे ब्रांड के अगर कंपेयर में आप करते हैं तो। सबसे पहले ये बात करते हैं कि फेस पे प्राइमर लगाने की क्या ज़रूरत है, आप डायरेक्ट मेकअप क्यों नहीं कर सकते हैं। तो जो भी लोग मेकअप करना चाहते हैं, जो बिगनर्स हैं या जो मेकअप सीखना चाहते हैं, इनफैक्ट जो लोग ऑलरेडी मेकअप करते हैं, तो आपने एक चीज़ नोटिस किया होगा कि अगर आप फेस वॉश कीजिए, फेस वॉश करने के तुरंत बाद अगर आप डायरेक्ट फाउंडेशन लगा लेते हैं ना, तो फेस पर आपके जितने भी पोर्स हैं, क्योंकि एज के साथ पोर्स बढ़ते हैं, तो जितने भी पोर्स हैं ना, आपका फाउंडेशन पोर में चला जाता है। ठीक, पहली प्रॉब्लम ये होती है कि आपका फेस डायरेक्ट फाउंडेशन से और डायरेक्ट आपके मेकअप से कॉन्टेक्ट में आता है, जिसकी वजह से मेकअप ऑलरेडी एक कॉस्मेटिक है तो उसकी जो रिलेटेड प्रॉब्लम्स है आपके फेस को झेलना पड़ेगा। इसमें कोई दो राय नहीं है, कोई भी हर्बल मेकअप नहीं आता है तो फेस को झेलना पड़ेगा। अगर डायरेक्ट कांटेक्ट में फेस पे आएगा तो ये पिंपल की प्रॉब्लम, एक्ने की प्रॉब्लम और बहुत सारी दिक्कतें हो जाएंगी, फेस पे डलनेस हो जाएगा। दूसरी प्रॉब्लम ये आती है कि फेस पे आपने अभी मेकअप कर लिया विदाउट प्राइमर, ठीक है, आफ्टर हाफ आवर और वन आवर के बाद आपने नोटिस करोगे कि फेस पे ना जितना भी आपका मेकअप था वो केकी होने लगेगा, स्मूथ फिनिशिंग नहीं दिखेगी। अभी आपको जैसा मेरा फेस दिख रहा है, ये इसलिए स्मूथ फिनिशिंग दिखेगा क्योंकि प्राइमर अप्लाई किया है, लेकिन अगर मैं प्राइमर ना अप्लाई करूं तो वो बहुत ज़्यादा केकी केकी लगेगा, बहुत बहुत गंदा लगता है, मतलब आधे घंटे बाद भी वो बहुत ज़्यादा गंदा लगने लगेगा। तो बहुत गलत तरीका है अगर आप प्राइमर नहीं यूज़ कर रहे हैं, फेस पे डायरेक्ट ही आप मेकअप अप्लाई कर रहे हैं। तो हम आज जो बात करने वाले हैं वो ब्लू हेवन के प्राइमर के बारे में बात करने वाले हैं, क्योंकि पहली चीज़ मैंने पहले ही बोल दिया है कि काफ़ी अफोर्डेबल है, बहुत ही ज़्यादा अफोर्डेबल है, बहुत सारे ब्रांड के प्राइमर बहुत ज़्यादा कॉस्टली हैं। ये जो प्राइमर है ब्लू हेवन का, ये है परफेक्ट मेकअप बेस स्टूडियो परफेक्शन, ऑयल फ्री है, नॉन ग्रेसी है। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो ये इस तरीके के पर्पल पैकेट में आता है और इसकी पैकेजिंग बहुत ही ज़्यादा कूल है, बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। सेकेंड अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे ना बहुत कुछ मेंशन है इसके बारे में। ठीक, सबसे पहले देखिए तो ये लाइट वेट फॉर्मूला है विथ सिलिकॉन एंड विटामिन। ये क्या करता है, स्किन को सॉफ्ट बनाता है, बहुत स्मूथ टेक्सचर देता है, जिसकी वजह से मेकअप भी बहुत ग्लॉसी दिखता है और स्मूथ दिखता है। पूरे दिन फेस जो होता है बहुत फ्रेश होता है, मेकअप की वजह से डल नहीं होता है। अब इसकी पैकेजिंग अगर हम इसको ओपन करते हैं तो आपको अंदर इस तरह का ट्यूब मिलेगा और ये भी पर्पल कलर का है, जो कि कुछ इसके बॉक्स पे मेंशन है, वही सब चीज़ें इस पर भी मेंशन है, वही सारे इंस्ट्रक्शन। अब सबसे पहले ये समझिए कि आपको ये जो प्राइमर है, कोई भी प्राइमर यूज़ कैसे करना होता है। सबसे पहले आपको अपने जो चेहरा होता है, आपका फेस जो होता है, फेस वॉश किया, फेस वॉश करने के बाद आप कोई भी मॉइस्चराइज़र अप्लाई करते हैं, मॉइस्चराइज़र अप्लाई करने के तुरंत बाद आप कोई ना कोई इस तरह का प्राइमर यूज़ कीजिए। प्राइमर क्या होता है, आपके पूरे फेस पर एक कवरिंग की तरह होता है, काम करता है, एक शील्ड की तरह काम करता है, जिसकी वजह से आपका मेकअप और आपका फेस इस प्राइमर के आर पार होता है और फेस पे मेकअप का डायरेक्ट कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है। ब्लू हेवन का जो प्राइमर है, अगर इसके टेक्सचर की हम बात करते हैं तो आप ये देखिए, दिस वन अगर आपको दिख रहा हो कैमरे में, ये जेल लाइक टेक्सचर है, जेली लाइक टेक्सचर है, और ये दिस वन, ये बहुत ही सॉफ्ट टेक्सचर है। जब आप इसको लगाते हैं ना, अपने फेस पे लगाइए या हाथ पे लगाइए, तो थोड़ा सा मसाज करने के बाद आपको कहाँ लगाना है इसको, जहाँ जहाँ फेस पे आपके पोर्स ज़्यादा दिखते हैं, स्पेशली ये नोज़ के एरिया पे आपको पोर्स ज़्यादा दिखाई देते हैं, यहाँ पे नीचे लिप के नीचे आपको पोर्स ज़्यादा दिखाई देते हैं, तो फेस पे जहाँ भी पोर्स ज़्यादा दिखाई देते हैं आपको ये फेस जो प्राइमर है वहाँ यूज़ करना है। जो प्राइमर आपका ब्लू हेवन का है वो बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट है, सिलिकॉन टेक्सचर का है, बहुत ट्रांसपेरेंट है, और जब आप इसको अप्लाई करते हैं तो आप नोटिस करो किसी भी तरह का ऑयलनेस नहीं है, ग्रीसी बिल्कुल भी नहीं है, ऑयली बिल्कुल भी नहीं है,
बहुत स्मूथ टेक्सचर देता है कंपेयर टू दिस हैंड, और दिस हैंड इतना सॉफ्ट टेक्सचर है, इतना ज़्यादा सॉफ्ट टेक्सचर है कि जब आप इस पे मेकअप अप्लाई करेंगे तो कम क्वांटिटी मेकअप बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पे फैलेगा, और फैलने की वजह से कम क्वांटिटी में ही पूरा कवर अप कर लेगा। दूसरी चीज़ कि ये आपके स्किन को प्रोटेक्ट करता है, तो प्राइमर का यूज़ बहुत अच्छा है। और ब्लू हेवन का प्राइमर जो है, इसका जो टेक्सचर है वो इतना ज़्यादा स्मूथ है, इतना ज़्यादा मतलब ऑयल फ्री है कि इसका यूज़ करने के बाद आपको फील ही नहीं होगा कि आपने कोई प्राइमर या कोई एक और लेयर यूज़ किया है, बल्कि इतना ज़्यादा स्मूथ ही टेक्सचर दे देता है कि आपको मेकअप करने में भी बहुत मज़ा आता है। ब्लू हेवन का जो प्राइमर है, बेसिकली ये इसमें बहुत सारे इन्ग्रीडियंट्स हैं, सारे के सारे जो भी इन्ग्रीडियंट्स हैं वो सब बहुत ही अच्छे हैं। दूसरा, इस प्राइमर को आप फेस मेकअप के लिए यूज़ कर सकते हैं। इसके साथ अगर आप आई शेडो यूज़ कर रहे हैं तो आई शेडो से पहले भी आई मेकअप के लिए भी एज अ प्राइमर इसको यूज़ कर सकते हैं। तीसरा, अगर आप ब्लशर यूज़ कर रहे हैं तो ब्लशर से पहले भी इस प्राइमर को यूज़ कर सकते हैं। तो ओवरऑल फेस पे आप इस प्राइमर को यूज़ कर सकते हैं। सेकेंड, अगर बात करते हैं इसके प्राइस की, तो इसकी जो MRP है वो है 300 रुपीज़। इसकी MRP 300 रुपीज़ है, लेकिन अगर आप किसी ऑनलाइन ऐप से मंगा रहे हैं तो आपको 10-20% डिस्काउंट मिल जाता है। इस टाइम पे purple.com पे मैंने ये वाला प्राइमर नहीं देखा, और ब्लू हेवन के प्राइमर थे बट ये नहीं था, अमेजोन पे मिल जाएगा, तो मैं उसका एक क्लिप आपको दे दूंगी। और किसी भी तरह का स्पॉन्सर वीडियो नहीं है, प्राइस ठीक है, इसका वर्क अच्छा है, काफ़ी अच्छे टाइम तक मेकअप टिका रहता है। इसका फेस पे इसको अप्लाई करने से वैसे भी मुझे पिंपल की प्रॉब्लम नहीं होती है, लेकिन जब मैं थोड़े टाइम पहले जब बहुत थोड़ा मेकअप ट्राई करती थी और थोड़ी सी लापरवाही थी और प्राइमर बिना यूज़ किए कि कौन इतने स्टेप फॉलो करेगा, लोग फटाक से बस फेस पे अप्लाई करके देखते हैं, तो बिलीव कीजिए फेस को बहुत इफ़ेक्ट पड़ता है। 2 घंटे भी अगर आप फेस पे मेकअप रखते हैं विदाउट प्राइमर विदाउट मॉइस्चराइज़र तो फेस पे उसको फेस को झेलना पड़ता है और पिंपल वगैरह आपको हो जाते हैं। मेरे जैसा इंसान जिसको कभी पिंपल नहीं होता था, डायरेक्ट मेकअप यूज़ करने से उसको भी पिंपल की प्रॉब्लम होने लगती है, चेहरा डल पड़ने लगता है। तो बेस्ट तरीका ये है कि अपने फेस पे आप प्राइमर यूज़ कीजिए, उसके बाद ही मेकअप कीजिए। उसके बाद आप मेकअप 2 घंटे रखिए चाहे 10 घंटे रखिए, फेस पे प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करेगा। और ये ब्लू हेवन प्राइमर मेरा बहुत ही ज़्यादा फेवरेट प्राइमर है, तो आपको अगर यूज़ करना है तो आप इसको ले सकते हैं। ये किसी तरह का स्पॉन्सर वीडियो नहीं है अगेन, और ये जो जो वी रिव्यू है मेरा, अगर आपको पसंद आता है और आपको मेरे रिव्यूज़ किसी भी तरह के बेनिफिशियल लगते हैं तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा वीडियो को, कमेंट करके मुझे बताइएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, चैनल पर पहली बार आए हैं तो शेयर कीजिएगा वीडियो को। अगर आपको किसी और को भी इन्फॉर्मेशन ये देना हो तो बहुत जल्दी मिलते हैं नए वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय।